अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोग ठीक ठाक होंगे। इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड की थी वही कंक्रीट पंप स्टैटिक पाइपलाइन की थी। अच्छा, आज इसी में अब हम उसकी जो मिस्टेक्स है ना वही पे बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से मिस्टेक जो है ना वो आते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये मिस्टेक आता है कि इसकी जो पाइपलाइन है ना, मिसाल के तौर पर ये पाइपलाइन दूसरे साइड पे इस्तेमाल हुई है, वो अभी इसको यहाँ पर लाया गया है, तो इसकी वो प्रॉपर क्लीनिंग हुई है या नहीं हुई, मतलब इसकी जो ब्लॉकेजेस है कंक्रीट इसमें गुजरती है तो वो उसमें उन्होंने इसकी सफाई की है या नहीं की है, ये मिस्टेक आता है क्योंकि उसके बाद फिर वो इसमें ब्लॉकेज आता है। दूसरा मिस्टेक ये होता है कि इसकी जो मेंटेनेंस है उसकी वो सही तरीके से उन्होंने वो मैनेज करते या नहीं करते। मेंटेनेंस का मिसाल के तौर पर जो पाइपलाइन है इसकी जो देखभाल है वो सही कर रहे या नहीं कर रहे। तीसरा ये है कि इसकी जो वो है ऑपरेटर्स है उसके दरमियान कम्युनिकेशन किस तरह है, मतलब एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन कर रहे या नहीं कर रहे, क्योंकि ये एक स्ट्रेट पाइपलाइन है तो उसमें जो बंदे काम कर रहे क्यों वो आया वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन कर रहे या नहीं कर रहे। और चौथा जो मिस्टेक्स है वो ये है कि इसकी जो वर्कर्स है क्या वो उनको पहले से ट्रेनिंग दिया जाता है या नहीं दिया जाता कि ये काम करने से पहले उसको मतलब मिसाल के तौर पर मैं ये कह लूँ कि एज अ सिविल इंजीनियर एक बंदे को क्या होना चाहिए, ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए, ये सब कुछ, तो आया एक बंदे ने ये काम किया है पहले या नहीं किया है। पांचवा मिस्टेक ये है कि इसकी इंस्टॉलेशन, मतलब इसमें जो जॉइंट लगे हुए हैं वो जॉइंट उन्होंने सही लगाए हुए या नहीं लगाए। और छठा जो मिस्टेक्स है वो ये है कि इसकी जो पाइपलाइन है आया ये इसकी जो टाइमिंग है क्या वो ओवरलोड हिसाब से ओवर टाइम के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओवर टाइम हिसाब से अगर मिसाल के तौर पर जो पाइपलाइन मुसलसल इस्तेमाल होता है तो उसमें वो आता है क्रैक्स आते हैं, तो क्योंकि ये कंक्रीट तो प्रेशर के हिसाब से जब प्रेशर आता है तो हील्ड प्रोड्यूस होता है तो इसमें फटने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो मिस्टेक तो ये बार बार नहीं दोहराते ना। तो ये इसकी कुछ जनरल पॉइंट्स थे, मैंने सोचा इस पे मैं आप लोगों के साथ इसकी इंफॉर्मेशन शेयर कर दूँ क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो इसी हवाले से थी, इसी वजह से मैंने सोचा कि इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ क्या करूँ, इसकी इंफॉर्मेशन शेयर कर दूँ। थैंक यू।